गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 39 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में बोला है एक नाव 10 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब जिधर धारा होती है उसकी उल्टी दिशा में चलती है, और 5 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 6 घंटे ले रही है। यदि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में इन्होंने देखो दिया है कि अगर उसी दिशा, देखो विपरीत दिशा में जाएगी तो 10 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जा रही है, उसी दिशा में 5 किलोमीटर जा रही है, समय लेती है 6 घंटा और धारा की चाल दे रखी है इन्होंने। तो सबसे पहले तो देखो, आपने मान लिया कि शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, शांत जल मतलब जब नाव मतलब जल की धारा स्थिर है, तो शांत जल में नाव की धारा को आपने मान लिया, नाव की चाल को मान लिया आपने x किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले आपने यही मान लिया कि नाव की चाल हो गई शांत जल में x किलोमीटर। अब जो इन्होंने दे रखा है विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी, जब भी विपरीत होता है तो माइनस होता है, उसी दिशा में होता है तो प्लस होता है ना। विपरीत का मतलब इधर धारा है तो आप उल्टा जा रहे हो, जब भी उल्टा होता है विपरीत में माइनस होता है, तो x में और धारा कितनी है 1.5 है ना, तो x में जो उसकी चाल थी उसमें 1.5 किलोमीटर माइनस कर दिया किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में चाल उसमें जोड़ दो x प्लस 1.5 और यही किलोमीटर प्रति घंटा। समय का फॉर्मूला होता है समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल। अब हमें जब समय निकालना है यानी धारा के विपरीत समय निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले धारा के विपरीत कितना समय ले रही है, वो ले रही है आपके पास 10 घंटा, और चाल कितनी आपने निकाली धारा के विपरीत, धारा के विपरीत आपकी चाल निकली x माइनस 1.5, ये धारा के विपरीत निकली, इतने आपके घंटे हैं, और धारा की दिशा में कितना समय ले रही है 5 घंटा, ले 5 बटे, और दिशा में कितना हो गया x प्लस 1.5 है ना, इतने घंटे। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, प्रश्नानुसार पहला आपके पास कितना है यानी 10 बटे में x माइनस 1.5, और फिर अब क्योंकि ये दोनों मिला के चल रही है ना देखो, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि धारा की, क्योंकि इन्होंने ये तो बोला नहीं कि दोनों में अंतर, तो फिर दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपके पास 5, और यहाँ हो गया देखो x प्लस 1.5 बराबर समय कितना ले रही है दोनों में 6 घंटे है ना। अब इसको नीचे का दोनों का एलसीएम निकाल लो, नीचे का एलसीएम हो गया देखो, नीचे तो एक सर्वसमिका लग जा रही है, यानी ये a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, मतलब ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसकी सर्वसमिका लग जाएगी आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ इसको ऐसे लिख दो, देखो a हमारे पास x है यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1.5, और ये उसका स्क्वायर है ना, ये तो सर्वसमिका लग गई। ऊपर का देखो, अब इसको इससे गुणा कर दो, जब हमने 10 से इसको गुणा करा तो यहाँ हो गया देखो ये 10x, 10 को x से गुणा करा तो 10x हो गया, 10 को जब हम 1.5 से गुणा करेंगे तो देखो गुणा करने का आसान तरीका आप समझो कि पॉइंट नहीं लगा है, तो 15 है ना, और 10 बढ़ा दो यानी 150 हो गया। अब पॉइंट लगा दो तो 0 बाहर चला गया, बचा कितना हमारे पास, हमारे पास बचा 15। ऐसे इधर प्लस का साइन लगा दो, 5 को x से करा तो 5x हो गया, और 15 को देखो यहाँ पर साइन माइनस का लगा दो, 15 फाइव सा होता है 70, 15 75 यानी 75, और बीच में एक पॉइंट लगा दो क्योंकि एक है बस, मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। इधर x 6 अभी वैसे का वैसे लिख दो, यहाँ देखो ये x का स्क्वायर तो ये x का, यहाँ से एम्प्लॉय जेड का सिंबल लगा दो आप है ना। अब इसको देखो 10x और ये 5x मिलाकर हो गया आपके पास 15x, और यहाँ ये प्लस का और ये माइनस का, 15 में से 7.5 माइनस हो गया तो बचा कितना, प्लस का 7.5, क्योंकि 15 का आधा ही तो 7.5 होता है ना, साइन प्लस का लगेगा क्योंकि बड़े नंबर का होता है। नीचे यहाँ देखो ये x स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया 15 का स्क्वायर, जब आप इसका 1 पॉइंट आप इसका 5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपके पास 2.25 है ना, यहाँ देखो ऐसे स्क्वायर कर लेना आप इसका,
कि ये हो जाएगा देखो 1.5 फिर 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25 5, और 5 1 5 और 6 7, यहाँ देखो 1 5 5 1 1 1 5, और देखो 7 और 5 12, 2 1 कैरी, और ये 2 पॉइंट देखो 1 2 के बाद लगा, यानी ये, तो ये आपके पास आंसर हो गई, रफ है ना। तो ये हमारे पास, और इधर 6 भी वैसे का वैसे ही लिख दो यहाँ। अब देखो क्या करना है, यहाँ स्क्वायर है, अब इस नीचे वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले ऊपर वाले को वैसे का वैसे लिख लो, यानी 15x प्लस 7.5। अब नीचे देखो x 6 को x स्क्वायर से करा तो हो गया हमारे पास 6x स्क्वायर, माइनस कर दिया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 13.5। इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, 6 नीचे रख देना, इसको ऊपर रख लेना, जो आंसर आ जाएगा बाद में 2 के बाद 0 पॉइंट लगा देना, तो हो जाएगा आपके पास 13.5। अब सबको एक तरफ रख लेते हैं, यहाँ से देखो ये हो गया हमारे पास 6x स्क्वायर, यहाँ 13.5, ये देखो ये प्लस का इधर चला गया, माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस का था इधर चला गया, माइनस का हो गया 7.5 इक्वल्स टू में 0। यहाँ 6x स्क्वायर वैसे लिख दो, यहाँ देखो ये दो नंबर है ना, माइनस, और ये पहले इसको लिख दो माइनस का 15x, क्योंकि x की वैल्यू को पहले लिखना है, और देखो 13.5 माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस को जब जोड़ दोगे तो साइन माइनस का आ जाएगा, जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 21 आपका। अब ये देखो ये सारा नंबर 3 से कट रहा है, तो 3 को कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 2x स्क्वायर, यहाँ पर देखो 3 5 15x, और यहाँ 3 7 है ना, ये इक्वल्स टू 0, ये 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 खत्म हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड विधि से शून्य निकाल लो, यानी 7 2 14, देखो पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और 14 का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम से दो नंबर ऐसे बना लो कि मल्टीप्लाई करे तो 14 आ जाए, प्लस माइनस करे तो माइनस का 5 आ जाए। तो उसके लिए पहला तो 2x स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दो, एक ले लो आप 7x, और एक ले लो प्लस का 2x, देखो 7 में से 2 माइनस हुआ 5 आ गया, साइन माइनस का, माइनस 7 इक्वल्स टू 0, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, देखो इन दोनों के पास x है ना, x कॉमन ले लो, तो x हो गया, तो यहाँ बचा आपके पास 2x, और यहाँ कितना बचा, x चला गया है तो यहाँ बचा 7, यही नंबर उठा के यहाँ रख दो, देखो 2x माइनस 7, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, जब सेम नंबर है तो प्लस का 1 ले लो, है ना, प्लस का 1 ले लोगे तो ये आपके पास नंबर बन जाएगा। अब इसको शून्य के रूप में रख दो, देखो 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 7, और x इक्वल्स टू 7/2, एक नंबर तो हमें ये मिल गया है ना। इधर देखो x+1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1, तो माइनस का नंबर तो अमान्य हो गया, यानी ये नंबर तो हमें लेना नहीं है, देखो हम ले लेंगे x = 7/2। अब 7/2 को जब आप काट दोगे तो हो जाएगा 3.5, है ना, 2 को बाहर रख देना, इसको उसको भाग दे देना, तो ये आ जाएगा 3.5। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा था, x हमने किसको माना था, x हमने माना था कि शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ लिख दो अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।